सब्सक्राइब करिए कुक विद शाहीन को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है ये, और इसे आप किसी भी स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं या पूरी पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप इमली लिया है और उसे 2 कप गुनगुने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा है। जितनी क्वांटिटी में इमली होगी उसका डबल हमें पानी लेना है। 1 कप मैंने गुड़ लिया है, इसे ग्रेट करके रखा है, और 1 इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है, और ये कुछ पाउडर मसाले हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने भुना जीरा पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये मैंने 1.5 टीस्पून सौंठ का पाउडर लिया है, ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है, और 1/4 कप मैंने चीनी ली है। तो आइए देखते हैं इमली की चटनी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। जो मैंने इमली आधे घंटे के लिए भिगो के रखी थी गुनगुने पानी में, उसे अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर इसको छानना है कि इसका सारा पल्प निकल आए, और बीज और छिलका हमें अलग कर देना है। इस तरह से हमें इसका सारा पल्प निकाल लेना है। ये मैंने इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है, इसका बीज और छिलका मैंने अलग कर लिया है और इसका पल्प अलग कर लिया है। अब हम इसमें अपने गुड़ को ऐड कर देंगे और चीनी ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम अपने मिक्सचर को एक हैवी बॉटम पैन में गैस पर रखकर धीमी आंच पर कुक करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि चीनी भी घुल जाए और गुड़ इसमें पल्प के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आइए इसे कुक करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक हैवी बॉटम पैन लेंगे। मैंने कढ़ाई ली है, आप कोई भी हैवी बॉटम विसल ले सकते हैं, और इसमें हम अपना मिक्सचर डाल देंगे और इसको धीमी आंच पर चलाते हुए कुक करेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। इसमें बॉयल आ गया है तो हम इसमें दालचीनी डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेंगे, या जब तक कुक करेंगे तब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। गैस की फ्लेम हम स्लो कर देते हैं और इसको 15 से 20 मिनट तक हम कुक कर लेंगे, या तब तक कुक करेंगे जब तक हमारी चटनी अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती है। ये हमारी चटनी को धीमी आंच पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। जो मैंने लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और नमक लिया था वो ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पर और कुक कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर हम 5 मिनट तक और कुक कर लेंगे। देखिए चटनी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, देखिए ये गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें से दालचीनी का टुकड़ा निकाल लेंगे और इसको अलग कर देंगे, और इसमें जो मैंने सौंठ का पाउडर लिया था वो ऐड कर देंगे, और किशमिश ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक होगी। अच्छी तरह से इसको 1 मिनट तक पकाते हुए मिक्स कर लेंगे
ये हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। बहुत ही डिलीशियस और बनी है ये। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही यमी है ये, बहुत ही डिलीशियस है। इसे आप दही बड़ों के ऊपर, टिक्की के ऊपर और चाट के ऊपर डालकर भी सर्व कर सकते हैं। और इसे आप फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।